नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का सब्जेक्ट, शायद अब पहले तो पुराने सिलेबस के अनुसार 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना था, अब शायद 4th सेमेस्टर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वाले को भी पढ़ना होगा, जब भी जिस भी सेमेस्टर में आपको पढ़ना हो, आपने उस सिलेबस वाले का ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, थ्योरी में भी बहुत मददगार साबित होगा। यहाँ पे क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पे शाब्दिक मतलब लाइन्स ऑफ एड्रेस लाइन, एड्रेस बसेस, लाइंस ऑफ एड्रेस बसेस किस में, तो आपके चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन है आपका, लाइंस इन एड्रेस बसेस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर, तो इसमें लाइंस जो होते हैं नंबर ऑफ लाइंस वो आपका 16 होता है, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस और एड्रेस बस लाइन आपका क्या होता है, एड्रेस बस में आपका लाइन 16 होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द मेमोरी वर्ड साइज इन 8085 इज, द मेमोरी वर्ड साइज इन 8085, तो आपका मेमोरी वर्ड साइज 8 बिट होता है। लेंथ ऑफ स्टेट्स वर्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे स्टेटस वर्ड जो होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, उसका लंबाई कह ले वो आपका 16 बिट का होता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो आपका 8085 का बात हो रहा है, इसमें ट्रैप का हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर 5, इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ स्टैक पॉइंटर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, लेंथ यानी कि लंबाई स्टैक पॉइंटर का 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट। एप्लीकेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इन इज इन, आपका पॉकेट कैलकुलेटर, साइंटिफिक इंटरप्ट इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, तीनों हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एड्रेस मोड जो है वो यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शन मूव ए और बी में, ए आपका रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैन बी परफॉर्म्ड ऑफ द ऑपरेशन, तो ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 8085 माइक्रो प्रोसेसर में परफॉर्म करता है किस ऑपरेशन से, तो एडिशन से भी, एंड गेट से भी, और गेट से भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, तो 5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज हाउ मेनी 16-bit रजिस्टर, तो दो आपका 16-bit रजिस्टर होता है, 2 16-bit रजिस्टर होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। वेन 8085 एग्जीक्यूट सम अर्थमेटिक ऑपरेशन देन द फ्लैग बिट्स ऑफ द रजिस्टर आर अफेक्टेड, जब 8051 एग्जीक्यूट करे कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशन को,
तो फ्लैग बिट है वो रजिस्टर को क्या कौन से रजिस्टर को इफेक्ट करेगा, तो ये आपका हो जाएगा पी एस डब्ल्यू। तेरहवा नंबर है इफ वी पुश डाटा इनटू द स्टैक ऑफ 8051 द स्टैक पॉइंटर, अगर हम लोग डाटा को पुश करें स्टैक ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो उसका स्टैक पॉइंटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा विथ एवरी पुश। चौदहवा नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी बाइट्स ऑफ द एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रजेंट इन 8085 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, तो आपके 16 बाइट एड्रेसेबल 16 बाइट बिट जो है एड्रेसेबल मेमोरी प्रजेंट होगा 8085 माइक्रो कंट्रोलर में। पंद्रहवा नंबर है नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो 4 पोर्ट्स हो जाएंगे। व्हिच पिन प्रोवाइड्स ए रेस्ट ऑप्शन इन 8051, पिन 9। व्हिच ऑफ द एड्रेस रेंज ऑफ SFRS, तो ए जो है एड्रेस रेंज ऑफ SFRS जो होता है आपका 8051 टू FFFE पैरेलल 8051 टू FE पैरेलल, ठीक है ये आपका हो जाएगा। तेरहवा नंबर है अठारहवा नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी इंटरप्ट्स आर देयर इन माइक्रो कंट्रोलर 8051, तो 5 बिट माइक्रो हाउ मैनी इंटरप्ट, तो 5 इंटरप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइमर 0 टाइमर ओ इज ए डैश बिट रजिस्टर, तो ये आपका 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है 8 बिट नहीं है माफ़ कीजिएगा 16 बिट रजिस्टर है। अब है व्हाट इज द बिट साइज ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो इसका 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो बिट साइज है वो 8 बिट होगा। तो ये हम लोगों ने 2020 का देखा, अब हम लोग देखते हैं 2019 का। ये रहा आपका 2019 और माइक्रो प्रोसेसर कह ले माइक्रो कंट्रोलर कह ले, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है या फिर आप कह ले तो 20 उधर और एक इधर, 21वां नंबर क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ है आपका द इंटरप्ट कंट्रोलर लाइन, इंटरप्ट कंट्रोलर लाइन जो होता है वो आपका क्या होता है तो 8085 में 6 बिट होता है। द इंटरप्ट कंट्रोल लाइंस इन 8051 माइक्रो प्रोसेसर आर 6 बिट, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हिच स्टैक इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो लीफो स्टैक का यूज किया जाता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मैनी बाइट्स आर प्रजेंट, तो इसमें बताया गया है 1 2 3 जो है ये आपका सही आंसर होगा, एक भी होगा दो होगा और तीन भी होगा। फोर्थ नंबर में देखिए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो आपका रजिस्टर भी इमीडिएट रजिस्टर इनडायरेक्ट ऑल ऑफ दीजिए, तीनों का उपयोग आपके किया जाता है
एड्रेसिंग मोड 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड के दौर पे, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, इन ए माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट इज स्टोर्ड इन। आपके माइक्रो प्रोसेसर का जो एड्रेस होता है उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का किस में एग्जीक्यूट करने के लिए स्टोर होता है, तो प्रोग्राम काउंटर में आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट इज स्टोर्ड इन, स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में। ट्रैप इज ए डैश एंड आरटीएस 7.5 इज, तो ट्रैप है वो आपका मास्केबल और नॉन मास्केबल। ट्रैप आपका मास्केबल होता है और आरएसटी 7.5 वो आपका नॉन मास्केबल होता है। यहाँ पे सातवां है प्रोग्रामेबल लॉजिक इन एरेज यूजेज, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे यूजेज प्रोम मैट्रिक्स। एक्यूमुलेटर इज ए स्पेशल स्टोरेज रजिस्टर। यहाँ पे है 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज 14 बिट, ठीक है, 14 पिन्स होता है। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ 808 माइक्रो प्रोसेसर, तो जो कैपेसिटी होता है मेमोरी एड्रेसिंग का, मेमोरी को एड्रेस करने का 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 64 KB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085.1, तो रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यही जो है वो आपका एड्रेसिंग मोड नहीं है 8085.1 का, ठीक है। रजिस्टर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ये आपका एड्रेसिंग मोड नहीं है। द एक्सटर्नल इंटरप्ट्स ऑफ 8051 कैन बी इनेबल्ड बाई, एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल कर सकते हैं इंटरप्ट इनेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोर्ड इन प्रोग्राम काउंटर ऑफ 8051, तो क्या स्टोर किया जाता है प्रोग्राम काउंटर में, तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये सवाल आपका ऊपर भी आया था, उसमें प्रोग्राम काउंटर मारने को था और यहाँ पे उल्टा दे दिया है, इसमें बोला गया है कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड होता है। इन 8051 एक्सटर्नल एसएस इज यूज टू परमिट, 8051 एक्सटर्नल एसएस का उपयोग किसके परमिट करने के लिए होता है, तो मेमोरी इंटरफेसिंग को परमिट करने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल रैम मेमोरी 8051 इज, तो 128 बाइट का होता है। द 8051 हैज डैश 16 बिट काउंटर या टाइम्स, तो ये आपका 2 16-bit काउंटर या टाइम्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 8051 व्हाट इज द डिफॉल्ट वॉल्यूम ऑफ स्टैक वंस आफ्टर द सिस्टम अंडरगोज द रीसेट कंडीशन, ये आपका 07H हो जाएगा। इन 8051 व्हिच फ्लैग रिप्रेजेंट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रेस्पेक्टिवली, जो प्रायोरिटी फ्लैग होता है, प्रायोरिटी फ्लैग होता है ये आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB होता है, और कैरी फ्लैग होता है वो आपका MSB यानी कि हाई या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, ठीक है।
किसमें प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में अठारवा नंबर है, 19वां नंबर है व्हिच ऑफ द इंस्ट्रक्शन फाइंड इट्स यूटिलिटी इन लोडिंग द डाटा पॉइंटर विद 16 बिट इमीडिएट डाटा। मूव इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है। मूव जो होता है मूव इंस्ट्रक्शन, इसी का डाटा पॉइंटर भी 16 बिट इमीडिएट में लोड करने की जरूरत पड़ती है। 20वां नंबर क्वेश्चन है व्हिच स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SFR प्लेज ए या फिर वाइटल रोल इन द टाइम काउंटर मोड सिलेक्शन प्रोसेस बाय एलोकेटिंग द बिट्स इन इट। टी मोड का उपयोग, टी मोड प्ले रोल करता है, वाइटल रोल प्ले करता है टाइम काउंटर मोड के सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है, बीट को एलोकेट करने में। चलिए हम लोग 19 का ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 का ही अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है, ये था ऑड, ये है आपका 19 का इवन, ये 19 का इवन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर वैल्यू ऑफ MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो क्या करता है, द रिजल्ट फ्लोइंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन डिनोट्स, तो साइन फ्लैग को डिनोट करेगा, साइन स्टेटस फ्लैग। द एड्रेस बस ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, एड्रेस बस माइक्रो प्रोसेसर का दोनों डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि काम करता है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन आपका ऑपकोड और एंड ऑपरेंड, ठीक है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड दोनों इंस्ट्रक्शन को कंसिस्ट करता है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। STA 900H इज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 3 बाइट्स। डिबग साइनोनिमस टू ट्रबल सीट, ठीक है, पर्यायवाची, डिबग का पर्यायवाची आपका है ट्रबल सीट। ए प्रोग्राम रिटेन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, मशीन प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपका कहलाएगा जब वो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया हो तो। 7वां नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मशीन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर रेट इंस्ट्रक्शन, RET इंस्ट्रक्शन है इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो 3 नंबर ऑफ मशीन साइकिल की जरूरत है। यहाँ पे 8051 माइक्रो प्रोसेसर ही है, इसमें DPTR इज है 16 बिट रजिस्टर होगा। यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है ए कॉल इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ रैम आर सेट असाइड फॉर द रजिस्टर बैंक्स एंड स्टैक, तो 32 बाइट। TCON register is a 8-bit register. TCON register is a 8-bit register. Which of the following register are not bit addressable? तो PCON. यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है इन assigned number address addition. In assigned number addition, the status of which bit is important? CY bit जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। Which of the instruction has no effect on the
फ्लैग पी एस डब्ल्यू, पी एस डब्ल्यू तो ये आपका एन एल और आर एल एक्स आर एल ऑल ऑफ दी मेंशन सभी पर इसका इन सभी इंस्ट्रक्शनों का इफेक्ट नहीं पड़ता है फ्लैग पी एस डब्ल्यू पर। व्हिच एड्रेसिंग मोड इज यूज इन पुशिंग और पॉपिंग एनी एलिमेंट और फ्रंट ऑफ द स्टैक, तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है जे एन जे एन जेड जे डी जे एन जेड जे सी जे एन सी इंस्ट्रक्शन जो है मॉनिटर द बिट ऑफ रजिस्टर, ये आपका हो जाएगा पी एस डब्ल्यू, पी एस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट्स द एक्युमुलेटर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट्स द एक्युमुलेटर टू रजिस्टर सिक्स, मूव आर सिक्स ए, मूव आर सिक्स ए द रजिस्टर द 8085 हाउ मेनी 16 बिट काउंटर्स टाइमर, टू टू 16 बिट काउंटर्स टाइमर होगा। द 8051 कैन हैंडल फ्लोइंग नंबर्स ऑफ इंटरप्ट्स, फाइव नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्स होना चाहिए 8085 को हैंडल करने के लिए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स विल मूव द वैल्यू पोर्ट 3 टू रजिस्टर 2, मूव आर टू पी थ्री, मूव आर टू पी थ्री। तो हम लोगों ने देख लिया 60 क्वेश्चन 2019 और 2019 इवेंट और 2020 का भी माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ना है आप सभी को, इन सभी ऑब्जेक्टिवों को ऑब्जेक्टिव के लिए मददगार साबित होगी, आप लोग जरूर इसका मिलान करें, इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।